देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तुम्हारी यादों के सारे जी लूंगा मैं, एक अच्छी याद बना के रखूंगा तुम अपने दिल में हमेशा। मेरे दिल की धड़कन मोहब्बत है तेरी, बहुत आज मुझको जरूरत है तेरी, तुझ बिन होता नहीं मेरा गुजारा, चाहिए यारा मुझे तेरा सहारा। तेरी हूँ कसम मैं, वादा हूँ तेरा। इसको और मुश्किल मत करो प्लीज। तो रोक लो ना प्लीज, हमने साथ जीने और मरने की कसम खाई है रणबीर। तुम अकेली नहीं हो ना प्राची, तुम्हारे पेट में एक नन्ही सी जान है, अगर ये नहीं होती ना तो हम साथ में मर जाते, लेकिन हमें जीना है, हमें इसके लिए जीना है, लेकिन अलग अलग अलग। मेरा जान कैसा है ये बंधन, बोले तड़पन लागी झूठे ना, लागी झूठे ना। फूजी, आपको क्या लगता है मॉम ने हमें ऐसे अचानक क्यों बुलाया? सब ठीक होगा ना, कहीं दीदा ने फोन करके सब कुछ बता तो नहीं दिया? मुझे आई जस्ट वांट टू नो, हम सेफ है ना? ऑफ कोर्स वी आर सेफ, तुम किसी भी चीज की फिक्र मत करो, मत सोचो कि क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी, डोंट वरी। पूजी वो जो मेरी का है ना, मेरे दिमाग में चढ़ी हुई है, पहले उसका वो स्टुपिड भाई और अब वो, शी इज स्पॉइलिंग माय डे। पूजी तो स्पॉइल होने मत दो, क्या हुआ, क्या होगा, क्या कैसे होगा, डोंट थिंक अबाउट ऑल ऑफ दैट, ओके? और जिसकी बात तुम कर रही हो ना, उसकी जान अभी तक हमारी मुट्ठी में है, और दीदा मैं संभाल लूंगी उन्हें। और मेहका, जहाँ तक मेहका की बात है, कोई नहीं जानता कि वो भाग गई है, जाके घर वालों से मिलो, रिश्तेदारों से टाइम स्पेंड करो, मैं देखती हूँ कि वो मेहका कहाँ गई है। Let's go. चेंज करके आ गया तू? अरे यार, मैंने इसलिए चेंज किया ताकि एंड मोमेंट में कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं संभाल सकूं। ये तीन आदमी ओल्ड लेडी को गाड़ी की डिक्की में क्यों डाल रहे हैं? ले ले, आगे ले। अबे पुलिस कहाँ से आ गई? वैसे तो मैंने देखा है, देखा हो या ना हो, पर अभी उसे ये बुढ़िया दिखनी नहीं चाहिए, वरना हम पकड़े जाएंगे। हाँ ठीक है ठीक है, ऐसे रिएक्ट करें जैसे उसे हमने देखा ही ना हो, जल्दी कर। कहाँ जा रहा है? बस गाड़ी सर्विस करवाना है। और ये डिक्की में क्या है? आप खुद ही देख लीजिए, जाके चेक कर। जी साहब। मैं मॉम के पास जाती हूँ, ओके? आप जाइए, आई सी यू सून, ओके? हेलो मैम, हमने उसे उठा लिया, हमारे साथ ही गाड़ी में बेहोश है। गुड, उन्होंने दीदा को बेहोश करके उठा लिया है। गॉड, थैंक गॉड। मुझे, मैं मॉम के पास जाती हूँ, वरना वो डांटेंगी कि मैं इतनी देर गायब कहाँ थी। आई बी बैक सून, ओके? तुम उन्हें उठा के ले कहाँ जा रहे हो?
अपनी जगह पे ले जा रहे हो ना? नहीं मैम, वहाँ नहीं ले जा सकते, पुलिस हमारे पीछे, उन्हें शक हो गया, अगर वहाँ गए तो पकड़े जाएंगे। तो क्या सड़क पर ऐसे ही चक्कर मारते रहोगे? उन्हें ऐसी जगह पे ले जाओ जहाँ पुलिस ना आ सके। ऐसी कौन सी जगह है मैम? अब ये भी मैं बताऊँ, काम पे जब आते हो तो अपना के माँ के घर छोड़ के आते हो, अपना दिमाग लगाओ ना, कहाँ ले जाना है उन्हें। आप फोन रखिए, मैं कुछ करता हूँ। कुछ भी करो लेकिन पुलिस के हाथ मत आना, समझे? पुलिस अभी पीछे है, अभी ना देखे बता सकता हूँ, आगे से राइट ले ले अब। अरे जल्दी बताओ, अरे सोचने दे यार, अरे बोलना, एक मिनट रुकेगा। तो ये दादी है पल्लवी, ये आलिया और ये प्राची है, ये सहाना है, ये रणबीर सर और ये विक्रम सर। तुम इस फैमिली से नहीं हो ना? नहीं मैं नहीं हूँ, लेकिन आप लोग कौन है? कौन है तू? नहीं। अरे देख क्या रहा है, जा जाके पकड़ उसको, अभी आधा घंटा बचा है मेरे पास। अरे जा, सबको बोल दी जा, जा। तुम सब लोग चौकने रहना और तुम ध्यान रखना कोई आना पाए, मैं संभालता हूँ उस लड़की को। अबे ये अल्लाह, रणबीर से बचने के लिए बोला था तो नहीं, ये बवाल कौन सा बीच में आ गया? जो भी हो हमें तो बस अपना काम करना, थोड़ी देर और मिल जाए फिर देखना असली बवाल, फिर रणबीर कोहली हो या रणबीर कपूर, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अरे मीका, तुम यहां एकदम से, क्या हुआ? तुम ठीक हो? तुम्हारी हालत को क्या हो गया? भाई वो मैं, प्राची भाभी। प्राची ये मीका, ये सिट की बहन है। भाभी नमस्ते। ये क्या हुआ है हाथ में तुम्हारे? भाई मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, कुछ लोग हैं जो। अरे अरे मैम, आपने तो मुझे किचन में बुलाया था ना, आप यहाँ आ गई। रणबीर भाई, there is something odd, जब मैं घर के अंदर आ रही थी तो हाँ, बताओ तुम जब घर पे आ रही थी तुम्हें कुछ और लगा, क्या क्या लगा? क्या हुआ, ऐसे चुप क्यों हो गई? हाँ बताओ, कुछ बात है तो हमें बताओ, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। फिर ऐसे डरी हुई और परेशान क्यों लग रही हो, क्या हुआ है? It's okay, मीका, तुम हमें बता सकती हो, we will help you, क्या कुछ हुआ है? Are you okay? Actually, मैम नहीं बुलाया था मुझे आने को, मैं इनका ड्राइवर हूँ। एक्चुअली मेरे बड़े भैया इनके ड्राइवर हैं, वो किसी लिए आ नहीं पाए तो उन्होंने आज मुझे आने को कह दिया। ठीक है कोई नहीं, मैं एक बार बात कर लूँ इनसे, तुमसे बाद में बात करते हैं। बताओ क्या हुआ है? मैं तुम्हारा भाई हूँ, आई विल हेल्प यू, डोंट वरी, टेंशन मत लो, सिर्फ हम दोनों हैं यहाँ पे, बताओ ना। भाई वो मुझे ना डर लग रहा था कि दीदा को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगेगा, वो कैसे रिएक्ट करेंगी, और सिद्ध भाई ने बोला कि ये मैं बस आ गई हूँ। अरे रिलैक्स पगली, इट्स ओके, फैमिली वालों से कभी डरते नहीं है, रिलैक्स। और दीदा ना एक्चुअली बहुत टाइम बाद तुम्हें देखने वाली है, इसलिए वो थोड़ा नर्वस हो जाएंगी, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। बाकी मैं हूं ना, आई विल हेल्प यू आउट, तुम्हारा भाई हूं, कब काम आऊंगा? हां मैम आप चल रही है या मैं जाऊं? Let's go. समझदार हो इसलिए तुम समझ गए कि अगर तुम वहां से नहीं निकलती मैं तुम्हारे उस रणबीर भैया को गोली मार देता। समझदार हो प्लस केमिस्ट्री स्टूडेंट भी हूँ, मुझे मालूम था कि जो पाउडर तुम किचन में मिक्स कर रहे हो उसके पीछे की प्लानिंग क्या है, मुझे मालूम था कि जो तुम प्लान कर रहे हो वो कितना डेंजरस है। प्लीज
प्लीज मत करो ऐसा। तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और वो मैं नहीं, वो जे कर रहा है, वो केमिस्ट्री स्टूडेंट है, उसको पता है कि किसमें क्या मिलाने से क्या होता है। वैसे पता तो तुम्हें भी है ना, क्योंकि मुझे नहीं पता है क्या होगा वो पाउडर मेलन से। किसी की जान भी जा सकती है। सच में? पर मैं किसी को मारना नहीं चाहता। तो प्लीज रोक दो ना, मुझे मालूम है कि तुम किसी को मारना नहीं चाहते, फिर किसी की जान तो बचा सकते हो। ठीक है ठीक है, चलो कहीं और चल के बात करते हैं, वरना कोई हमें सुन लेगा। लेट्स गो। मिहिका, ये तुम्हारा इयररिंग है, नीचे गिर गया था। सुनो, हम जो बात कर रहे थे ना, वो प्राची भाभी को बता देते। नहीं, नहीं, वहाँ के लिए मैं बात करेंगे। जाओ यार, लेके आओ। तुम चलो तो यहाँ से, फिर बताता हूँ मैं तुम्हें कि क्या हुआ। अपने जैसा समझा है क्या? भाभी वो। अरे मैम, चलेंगे नहीं आप? ये आजकल के ड्राइवर भी ना, एक दिन ड्यूटी पे आते तो खुद को बॉस समझने लग जाते हैं। मीका, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। प्राची, आई थिंक मीका को पता ही नहीं है घर पे क्या चल रहा है। उसको कुछ नहीं पता है सिट के बारे में, बच्चे के बारे में। आई थिंक शी डिजर्व्स टू नो। तुम कुछ ऐसा वैसा मत सोचना, बस प्राची मुझसे थोड़ा सा अपसेट है और मुझे पता है उसको कैसे मनाना है। भाई भाई, मुझे आपको कुछ बताना है। वो तुम्हारे बारे में नहीं है, ना ही तुम्हारी रफ ड्राइविंग के बारे में। भाई वो सिद्ध भाई और रिया के बारे में बताना है आपको। मुझे सब पता है। I'll see you. चलती चलो, मुझे बात करनी है और जे को भी रोकना, कहीं देर ना हो जाए। कम ऑन। तुम मेरे बच्चे की नहीं, सिद्ध के बच्चे की मां बनने वाली। बस इनफ। तुम सिद्ध से शादी कर लो। प्राची, माय स्वीट स्वीट सिस्टर, कैसी चल रही है शादी की तैयारियां? क्या हुआ, तुमने अभी तक तैयारियां स्टार्ट नहीं की ना? ओह गॉड, प्राची मेरी बात मानो तो अभी से ही सारी तैयारियां स्टार्ट कर लो, वक्त नहीं है ना तुम्हारे पास। वैसे पता है, तुम्हारी शादी ना हम धूमधाम से आराम से करते अगर तुमने मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में पहले बता दिया होता। सिड को लेकर तुम्हारे दिल में क्या क्या चलता है? आई स्वेयर मैं सिड से कभी शादी नहीं करती। इनफैक्ट प्राची, मैं तुम्हारी शादी ना सिड से करवा देती। छोटी बहन हूं तो क्या हुआ, मेरा दिल बहुत बड़ा है, तुम्हारी जैसी नहीं हूं। तुमने तो मुझे रणबीर नहीं दिया, लेकिन मैं तुम्हें सिड जरूर दे देती। देखो ना कितनी अजीब बात है, तुम्हारे दिल में सिड था, मेरे दिल में रणबीर। हम दोनों बहनें ऐसे एक्सचेंज कर लेती ना, तो हमें हमारे मन चाहे पति मिल जाते, शायद हम एक साथ इसी घर में रहते। लेकिन अभी तो अरे क्या प्राची, अपनी छोटी बहन से बात भी नहीं करोगी? तुम्हारे इंटरेस्ट के टॉपिक पर तो बात कर रही हूँ मैं। जो बातें तुम कर रही हो ना, में कोई सेंस नहीं है, और ऐसी बकवास और बेमतलब की बातें करने का मेरा कोई मूड नहीं है। मूड? तुम्हारा मूड किस में है ये तो पूरे परिवार को पता चल गया है। वैसे तुम ना बेकार में नाटक कर रही हो, जो काम सीधे तरीके से हो सकता था उसे तुमने उल्टे तरीके से करके ना अपनी नाक कटवा दी। खैर छोड़ो, द मेन पॉइंट इज I'm just so happy, Prachi. You know what? I am going to get what finally belongs to me. ये क्या? अपनी आंखें बंद कर ली? मेरी खुशी देखी नहीं जा रही ना तुमसे? नहीं देखी जा रही ना? अरे देखो, विघ्न हरता आए हैं घर में, मेरे विघ्न हरने के लिए। आंख खोलो। तुम्हारी बातों का मैं कोई जवाब नहीं दे रही, इसका मतलब ये नहीं मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं बस तुम्हारी मुंह नहीं लगना चाहती। तुम इतनी खुदगर्ज हो, इतनी सेल्फिश हो ना रिया। अपनी खुशी के आगे तुम्हें किसी की परवाह नहीं, तुमने सबको परेशान करके रखा है। माँ और पापा को भी बहुत परेशान किया था तुमने। डैड का नाम मत लेना। परेशान तो बहुत किया था ना तुमने उन्हें, पापा को, माँ को, मुझे, रणबीर को, सिड को, मतलब किसी को नहीं छोड़ा तुमने, क्योंकि यही तुम्हारी फितरत है।
लोगों को परेशान करना, उनकी आंखों में आंसू लाना, उनका दिल तोड़ना, दिल दुखाना, बस उन्हें बर्बाद करके छोड़ना। तुम्हें अपने आगे किसी की पड़ी नहीं, बस अपनी खुशी चाहिए और उसके लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। कोई जिए या मरे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। You know what? You're right. मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी से मतलब है, और अपनी खुशी से मतलब रखने का ये नतीजा है कि मेरा तुमसे पीछा छूटने वाला है हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारी शादी जल्द ही सिड से होने वाली है, और तुम मेरे और रणबीर की लाइफ से हमेशा के लिए गायब। ये कोली मेंशन, यही रुकते हैं और अंदर कहीं छुप जाते हैं। आर्या मैम भड़केगी यहाँ। पकड़े गए तो और भड़केगी। तुझे पता है ना, पुलिस हमारा पीछा कर रही है। और आर्या मैम ने खुद कहा था कि किसी ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पुलिस ना आ पाए। इनके यहाँ गणपति आए, ऐसी जगह पे पुलिस नहीं आती, और अगर आ भी गई तो इतनी भीड़ में हमें नहीं पकड़ पाएगी। और अगर किसी ने पहचान लिया तो हम थोड़ी ना लोगों के बीच आके खड़े हो जाएंगे। अरे किसी बाथरूम में छुप जाएंगे, और वो जो बुढ़िया है डिक्की में उसे भी अंदर कहीं छुपा देंगे। देख पेट्रोल भी खत्म हो रहा है, हमें छुपने के लिए जगह चाहिए ही चाहिए। ठीक है। बुढ़िया को अंदर लेके जाओ, मैं यही रुक के देखता हूं। ठीक है नजर। अबे जल्दी कर, तेरे से एक बुढ़िया नहीं उठाई जा रही। ये वही गाड़ी है ना जिसमें वो गुंडे भागे थे? जी सर। इधर ही कहीं छुपे बोलो। चलो मेरे साथ। आर्यन, आई कॉल यू बैक। हाँ, तूने प्राची को कहीं देखा क्या? नहीं, क्यों, क्या हुआ? मेरे साथ बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रही है, पता नहीं क्या हो गया उसको। वो अजीब सा बिहेव नहीं कर रही है, तू अजीब सा बिहेव कर रहा है उसके साथ। तूने सब कुछ कह दिया ना मुझसे, अपना गुस्सा निकाल लिया ना, वो किसको बोलेगी यार? देख, तू उसके बिहेवियर को नहीं, उसके इमोशंस को समझ, उसकी फीलिंग्स को समझ। रणबीर, वो प्यार करती है तुझसे। मैं नहीं करता। वो अगर मुझसे प्यार करती है तो मैं उससे और भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं भी अभी वही रणबीर हूँ, वो भी वही प्राची है, पर सिचुएशन बहुत बदल गई है यार। सब कुछ बहुत बहुत डिफरेंट हो गया। बस मैं उसको बोल भी चुका हूँ कि सिद्ध से शादी कर ले, और वो देखिए एक बार तू ढंग से सोच ले यार, कहीं ऐसा ना हो कि इस प्रॉब्लम का इलाज ढूंढते ना तू लाइलाज हो जाए। तू उसकी शादी करवा रहा है, पर तूने ये सोचा है कि तू रह पाएगा उसके बिना, जी पाएगा? नहीं ब्रो, यू बी इन अ लॉट ऑफ पेन। आई नो ब्रो, ऑफ कोर्स। और तुझे पता है, मैं अपने दिल पे ना पत्थर नहीं रख रहा हूँ, मैं अपना दिल चीर रहा हूँ। जब भी मैं उसको बोलता हूँ ना कि तुम सिर से शादी कर लो, मेरी दिल की धड़कनें बंद हो जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसकी लाइफ का डिसीजन नहीं बता रहा हूँ, मैं अपना खुद डेथ सेंटेंस अपने मुंह से बोल रहा हूँ। कहने को मैं बहुत समझदारी वाला काम कर रहा हूँ, पर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है यार। मुझे लगता है मैं जिंदा हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं धड़क रहा। मुझे ऐसा लगता है कि जो कल होने वाला है वो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन जो आज मेरे सामने हो रहा है वो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है एक आंधी आई है, जोर से मुझे उड़ा के लेके जा रही है, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा, अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा हूं। मैं क्या करूं? रणबीर, मुझे कुछ जरूरी बात करनी तुझसे। मत कर प्लीज, मैं तुझे बोल चुका हूं मेरे को तुझसे बात नहीं करनी, अगली बार आया तो रिपीट नहीं करूंगा। रणबीर, रिया, गॉड, क्या है? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी? मैं कौन हूं? मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, प्राची। रिश्ता क्या है तुम्हारा और मेरा? रिश्ता? तुम वो प्रॉब्लम हो जो मेरे साथ इस दुनिया में आई थी। कहने को तो मेरी बहन हो, लेकिन रंग बदलना और रिश्ते बदलना तो कोई तुमसे सीखे। कभी सौतन बन जाती हो, तो कभी दुश्मन, तो कभी गलत। ना मैं तुम्हारी सौतन हूँ, ना ही तुम्हारी बहन। मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं, यही कहना चाहती थी मैं। What?
Really? अरे tell me something I don't know, प्राची. हमारा खून एक जरूर है रिया, पर उस खून का रंग अलग अलग है. सफेद है तुम्हारा खून, क्योंकि उसके अंदर किसी के लिए कोई भावना ही नहीं है. ना कोई प्यार है, ना अपनापन है, ना हमदर्दी है, कुछ भी नहीं. हमारे माँ बाप एक जरूर थे, पर हम दोनों बिल्कुल अलग है. पता है क्यों? क्योंकि हमारी परवरिश अलग अलग हुई है, इसलिए हम इंसान अलग है, हमारी सोच अलग है. अरे कोई अपना क्या, कोई पराया भी होना तो उसके लिए भी मैं कुछ गलत कुछ बुरा सोच भी नहीं सकती. और तुम ना अपना देखती हो ना पराया, बस लोगों की जिंदगी के साथ खेलना, उनकी आंखों में आंसू लाना, उन्हें तकलीफ देना, उनकी जिंदगी बर्बाद करना, यही सब करने में मजा आता है. तुम्हें अपनी जिंदगी में बहुत कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए, पर तुम्हें खुद किसी के लिए कुछ नहीं करना है. कोई रिश्ता बनाना नहीं है, किसी से प्यार करना नहीं. और जो रिश्ता बनाना नहीं जानता, वो निभाना क्या ही जानेगा. ओह प्लीज, रिश्ते बनाना और निभाना मुझे तुमसे नहीं सीखना. वो लड़की जो अपनी नाजायज जरूरतों के लिए नाजायज रिश्ते रखती है, उससे तो मुझे बिल्कुल भी नहीं सीखना. मांग में कुमकुम किसी और का, और कोर्ट में बच्चा किसी और का. बच्चे के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी. मेरा बच्चा मेरी ही तरह पवित्र है. How dare you? मुझ पे उंगली उठाई तो थप्पड़ खाया है तुमने. अगर हाथ उठाओगी तो सोचो क्या हाल कर दूंगी तुम्हारा. बहुत हो गया रिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हें, अब और नहीं करूंगी. मेरी अच्छाई का फायदा मत उठाओ. मैं जब तक अच्छी हूँ बहुत अच्छी हूँ, पर मेरी अच्छाई का फायदा मत उठाओ. बुरा बनने के लिए मुझे मजबूर मत करो. बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हें, अब और नहीं करूंगी. आखिरी मौका दे रही हूँ तुम्हें, अब भी सुधर जाओ, अपना मुंह बंद रखो. देखो ऑलरेडी मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, और दिमाग खराब मत करो मेरा, वरना मैं तुम्हें. प्राची मेरे साथ चलो, मुझे कुछ जरूरी काम है तुमसे. अबे इस रूम में ले चलते हैं. अगर अंदर कोई हुआ तो? रुक पकड़, पहले देखने दे. अबे संभाल इस बुढ़िया को. अच्छा कोई नहीं है, वे अकेले कैसे लाऊं, इतनी भारी है. तू भी आगे हाथ लगा. छिपाएं उधर चलते हैं उधर. ये बुढ़िया भी इतनी भारी है ना. आर्यन रणबीर से मैं बात कर लूं. क्या कर, छोड़ छोड़ नहीं, छोड़ इसको यहीं गिरा. बैठो. कुछ काम है? पहले बैठो तुम चुप करके. रणबीर सिद्धार्थ और पंडित जी को लेकर यहाँ आ जाओ.